वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कानूनी बताने वाले मेरे ये चैनल में। आज के ब्रांड न्यू एपिसोड में हम सुनेंगे जमानत किसे मिलते हैं और अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल यानी क्या होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एपिसोड देखने के बाद कानून से जुड़ी ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम आपको पता देते रहेंगे। ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए। प्रथमतः हम ये सुनेंगे जमानत यानी क्या होती है। जमानत यानी न्यायालय में हाजिर रहने की गारंटी। अब जब आरोपी को अटक होती है तब भारतीय दंड संहिता के किन अपराध के वास्ते उसे गिरफ्तार किया है वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगर वो जो गुनाह है, वो अपराध है, वो जामीन पात्र है तो अपराधी को पुलिस थाने में ही जमानत के पैसे भर के उसकी रिहाई होती है, या तो पर्सनल गारंटी देके रिहाई होती है। आईपीसी के सेक्शन में तीन साल से अधिक अगर किसी भी अपराध को शिक्षा है, अंदर डालने की शिक्षा है, तो उसे अजामिन पात्र गुना करके माना जाता है। वो अपराध अजामिन पात्र है और 3 साल के नीचे की शिक्षा है तो उसे जामीन पात्र करके माना जाता है, जमानत उसको मिल सकती है। अब जमानत पात्र अपराध के लिए आरोपी को न्याय दंडाधिकारी के सामने हाजिर किया जाता है। अब दंडाधिकारी उसे अपराध के लिए जमानत की रकम बताता है और उस रकम को या उसको श्योरिटी देने वाला किसी जमींदार को वो अगर पेश करता है तो वो पेश करने के बाद आरोपी की रिहाई होती है। अब हम देखेंगे अजमानत पात्र अगर गुना है तो आरोपी को पुलिस ने सही वक्त में अगर चार्जशीट फाइल ही नहीं किए, उसको खाली तारीख पे तारीख वो कोर्ट के सामने हाजिर करते हैं और बोलते उसको हमको ताबे में रखना है, उसकी इंक्वायरी करनी है। और ऐसा करने का उसको बहुत बार उन्होंने अगर टाइम रिमांड पे लेते लेते गए तो आरोपी का वकील मांग कर सकता है कि भाई अपराधी प्रक्रिया संहिता 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 437 कलम के अनुसार हमें रिहाई चाहिए, हमको जमानत चाहिए। अब अग्रिम जमानत क्या होती है, यह होगी जमानत की बात। अग्रिम जमानत क्या होती है, अग्रिम जमानत यानी कैद होने से पहले ही अग्रिम जमानत भर के खुद की रिहाई, यानी तुमको ये गारंटी होती है कि मुझे पुलिस अंदर नहीं डालेंगे, अंदर नहीं कर देंगे। अब ये कब होती है, अब आपको आशंका है कि भाई मेरे पीछे कोई तो लगा है, वो मेरे पर कोई तो ऐसा आरोप डालने वाला कि जिससे मुझे पुलिस अंदर डाल सकती, अब ये डर है तो डर के लिए अग्रिम जमानत है। अब अग्रिम जमानत का अर्जी सेशन कोर्ट या उसके ऊपर के कोर्ट में आप कर सकते हो। सामने वाले पक्षकार यानी सरकारी वकील उनको इसकी अर्जी देनी पड़ती है। अब सरकारी वकील क्या करता है, भाई आपके ऊपर अपराधी हो करके आपके ऊपर किसने इल्जाम किया है कि नहीं किया है इसकी वो खातिरदारी करता है। अगर नहीं है तो न्यायालय को बताता है कि भाई इसके ऊपर किसने आरोप ही नहीं किया है। अगर ऐसा हो तो जो आरोपी है, जो एंटीसिपेटरी बेल का अर्जी करता है, वो ये मांग कर सकते कि भाई जब कभी मेरे ऊपर इस जिस चीज के लिए उसको आशंका है, अपराध मैं अपराधी हूं करके वो सामने वाला डाल सकता है, ये जो चीज की आशंका है वो चीज जब भी कभी हो उसकी मालूमात पुलिस ने मुझे बताने के बाद 72 घंटे तक मुझे अवधि मिला है, वो 72 घंटे का अवधि मिल सकता है, उतनी वो अग्रिम जमानत होती है। उसमें उस दौरान वो क्या करेगा, रेगुलर जमानत अपनी कर देगा, उसके लिए पुलिस को अंदर डालने की जरूरत नहीं, ये न्यायालय देखती है। अब अग्रिम जमानत किसको मिलती है, अग्रिम जमानत सरकारी नौकर को मिलती है, प्रतिष्ठित नागरिक को मिलती है, नौकरदार को मिलती है, व्यावसायिक को मिलते है, जिसको समाज में मान्यता है कि वो भाग नहीं जाएगा, यार ये कहीं भाग नहीं जाएगा, अच्छा आदमी है, ये किसको धमकी भी नहीं देगा,
ये साक्षीदार को नहीं मिलेगा, ये कोई भी पुरावा है वो नष्ट नहीं करेगा। ऐसा अगर अपराधी हो तो भाई उसको जमानत मिल सकती है, अपराध के ग्रेड के अनुसार पैसा भर के उसको या तो श्योरिटी जमानत भर के अग्रिम जमानत मिलती है। अब आरोपी को पुलिस थाने में तो जाना ही पड़ता है, ये इतने दिमाग में रखो कि भाई मेरे को मिल गई जमानत, पुलिस थाना देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, आपको पुलिस थाना जाना ही पड़ता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अग्रिम जमानत जमानत आपको अंदर डालना है, गिरफ्तारी, ये इतने नजदीक नजदीक वाला मामला होता है कि बहुत लोगों के दिमाग में डर सा रहता है कि भाई क्या है, मालूम ही नहीं है। तो अगर मालूम नहीं है तो अपने वकील को जाके जरूर मिलिए, वो वकील आपको 100% बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपराध कोई भी अपराध हो तो आपको जमानत अगर मिल सकती है तो आपको जमानत जरूर मिला के देगा वो, ये ध्यान में रखे, अपने खुद की अक्ल मत लगाइए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताइए, और ऐसे कमेंट्स बताने से क्या होता है मेरा भी हौसला बढ़ते रहते हैं। खाली वीडियो नहीं देखे, सब्सक्राइब भी कीजिए, और यूट्यूब ही नहीं तो इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हो तो उसको फॉलो कीजिए, और ऐसे नए रोचक और अच्छे वीडियोस मेरे देखते रहिए। अगले वीडियो तक हम अलविदा करते हैं। अलविदा, जय हिंद, धन्यवाद।